भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ पवन सिंह के साथ भोजपुरी की ये चार हीरोइनें काम नहीं करना चाहती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी इनके फिल्मों से स्टार बनी ये हीरोइनें आज पवन सिंह के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहती। तो चलिए बताते हैं, इनमें सबसे पहला नाम, जो चौंकाने वाला सबसे पहला नाम है, वो है आम्रपाली दुबे का। जी हाँ, आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह के साथ सबसे बेहतरीन आइटम सॉन्ग दिए हैं। आम्रपाली दुबे को उनकी कामयाबी ही पवन सिंह के बदौलत मिली है, हम अगर ये कहेंगे तो झूठ नहीं है। क्योंकि ठीक है, वो एक फिल्मों की हीरोइन है, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, इन सब से उन्हें एक हीरोइन की तो पहचान मिल गई थी, लेकिन एक सुपरस्टार की पहचान उन्होंने पवन सिंह के साथ रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया गाने से पाई। जी हाँ, आज ये गाना 500 मिलियन से भी ऊपर जा चुका है, और इसी गाने से आप कह सकते हैं कि YouTube क्वीन की उपाधि भी आम्रपाली दुबे को मिली थी। लेकिन आज आम्रपाली दुबे पवन सिंह के साथ एक मूवी करने के बाद, शेर सिंह करने के बाद, अब उनके साथ फिल्में नहीं करना चाहती। बताया जाता है कि पवन सिंह और इनके बीच कुछ विवाद हो गया, और ये विवाद पवन सिंह के पिछले साल वाले बर्थडे में हुआ था। उसके बाद से ये दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया, और तब से अब तक ना ये मिले हैं और ना इन्होंने कभी किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब बात जो दूसरा नाम है वो सबसे ज़्यादा चौंकाता है, अंजना सिंह का। अंजना सिंह मेरा भारत महान में पवन सिंह के साथ अपोजिट तो नहीं, एज अ हीरोइन तो नहीं नज़र आएंगी, लेकिन उनके साथ फिल्म में करती नज़र आएंगी। लेकिन जब बात हुई थी अंजना सिंह की, तो हम आपको ये बता दें कि इस साल अंजना सिंह ने पवन सिंह को उनका बर्थडे विश नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने खेसारी लाल यादव को उनके बर्थडे पर विशेस दी और अवार्ड शो में उनके साथ स्टेज भी शेयर किया। लेकिन बात अब जब पवन सिंह की आई है, तो अंजना अब पवन सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती। बताया जाता है दोनों का एटीट्यूड इशू। मेरा भारत महान के सेट पर अंजना और पवन सिंह का कुछ वाद विवाद हो गया, और उसके बाद अंजना सिंह ने ये कहा कि वो आगे चलकर पवन सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती। जो तीसरा नाम सामने आया है, इस एक्ट्रेस ने खुद कहा कि वो पवन सिंह की बदौलत सुपरस्टार बनी है। ये कोई और नहीं, काजल राघवानी है। लेकिन पिछले दिनों काजल राघवानी पवन सिंह की खिलाफत करती नजर आई। उन्होंने पवन सिंह के बारे में ये तक कह दिया कि कभी अक्षरा सिंह को ऊपर ना उठने के लिए किसी स्टार ने, यानी भोजपुरी के एक बड़े स्टार ने सभी को कह दिया था कि अगर किसी ने अक्षरा सिंह के साथ काम किया तो वो उनका मुंह पूरी ज़िंदगी नहीं देखेंगे। ये इशारा खुद पवन सिंह की तरफ था। लंदन में होते हुए पवन सिंह को बर्थडे विश न करना, साथ ही साथ ना ही उन्हें सोशल मीडिया पर कोई बर्थडे विश करना, ये साफ दर्शाता है कि काजल राघवानी और पवन सिंह के रिश्ते में दूरी आ चुकी है। यहाँ वजह सेम बताई जा रही है, पवन सिंह और काजल राघवानी के बीच कुछ क्लैश हुए, जिसके बाद से इन दोनों ने एक साथ काम ना करने, या यूं कह लें कि लंदन में भी साथ होते हुए इन दोनों की वीडियोस आपने कभी साथ में नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये तीसरा जो नाम है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है, ये है काजल राघवानी का। और चौथा नाम, जिसे आप सभी वाकिफ़ हैं, आज अक्षरा सिंह को किसी के परिचय की मोहताज की ज़रूरत नहीं है। अक्षरा आप अपने आप में ही एक सुपरस्टार बन चुकी हैं, और अक्षरा यही नहीं, भोजपुरी में ही नहीं बल्कि हिंदी में, पंजाबी में भी काम करने जा रही हैं। हिंदी में तो उनका जल्द ही एक बॉलीवुड सॉन्ग भी आने वाला है, लेकिन अब उन्हें आप कभी ज़िंदगी में पवन सिंह के साथ काम करते नहीं देखेंगे, क्योंकि पवन सिंह के साथ काम करने के नाम को लेकर ही अक्षरा सिंह कान पकड़ लेती हैं। तो भोजपुरी की ये चार सुपर हिट, या यूँ कह ले कि चार सुपरस्टार एक्ट्रेस, अब पवन सिंह के साथ काम करने से कतराती हैं, या ये कह लें कि आइंदा आने वाले वक्त में भी उनके साथ काम नहीं करना चाहती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई गई पवन सिंह के बिहेवियर की। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।